किडनी की सफाई करके आप बच सकते हैं इन जानलेवा बीमारियों से, बस ये तरीका आजमा लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोग अनुसार में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ है। ये बात तो सभी को पता है कि मानव शरीर में दो किडनियां होती हैं, इनके बिना जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे में अगर किडनी खराब हो जाए तो काफ़ी समस्या हो सकती है। किडनी के मरीजों को महीने में एक बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसमें शरीर का गंदा खून बाहर निकाला जाता है और नया खून चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से किडनी ठीक तो नहीं होती, लेकिन कुछ समय के लिए परेशानी हट जाती है। कुछ मरीजों की किडनियां तो पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं, लेकिन ये काफ़ी दर्दनाक और महंगा खर्चा होता है, जो हर कोई करवाने में असमर्थ होता है। शरीर की गंदगी को हम रोज़ाना नहाकर निकाल देते हैं, ठीक यही काम शरीर के अंदर हमारी किडनी करती है। किडनी शरीर के ऑक्सीजन को, बेकार चीज़ों को बाहर निकालकर हमें स्वस्थ रखती है। किडनी फेलियोर वह स्थिति है जहां किडनी ब्लड से नए विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से हटाने में असमर्थ होती है। किडनी की बीमारी दुनिया की 10% आबादी को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है। गुर्दे छोटे लेकिन शक्तिशाली अंग होते हैं, जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। किडनी का मुख्य कार्य खून को साफ करना और शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालना है, लेकिन जब किडनी यह कार्य नहीं कर पाती है तो उस स्थिति को किडनी का खराब होना कहा जाता है। यह किडनी हमारे शरीर की सफाई करने और हमें स्वस्थ बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपके किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हो सकते हैं पर्यावरण में या दवाओं में मौजूद विषाक्त तत्वों के संपर्क, या तो तीव्र या पुरानी बीमारी, किडनी का आघात और डिहाइड्रेशन का गंभीर रूप। जी हाँ, जिस प्रकार हम घर में पानी के फिल्टर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी किडनी की रोजाना सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक मुख्य हिस्सा है, यह हमारे ब्लड से नमक और शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को फिल्टर करने में मदद करता है। हमारी किडनियां एक मिनट में 125 ml रक्त का शोधन करती हैं। ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती हैं। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे किडनी का फेल होना कहते हैं। इस समस्या के कुछ कारण हैं, एक्यूट किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर। किडनी को अगर आप साफ रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के किडनी की समस्या नहीं होगी और आपको कोई भी रोग नहीं होगा। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे किडनी साफ करने के तरीके बता रहे हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप किडनी साफ करने के सभी तरीकों को जान सकें। इन सभी में से 10 नंबर को जरूर जान लें, क्योंकि उसमें हमने एक बेहद इम्पोर्टेंट बात बताई है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1, धनिया। जी हाँ, एक मुट्ठी भर धनिया के पत्ते को अच्छी तरह धो लें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 1 लीटर पानी में डाल दें। उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिला लें। धनिया के पत्ते, अजवाइन और पानी को धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसे ठंडा कर रोज खाली पेट 1 गिलास लगातार सेवन करने से पेशाब के साथ सारी गंदगी बाहर आने लगेगी। नंबर 2, पानी। जी हाँ, यह तो हम सभी जानते हैं कि इंसान का शरीर लगभग 70% पानी से बना है। ब्रेन से लेकर लीवर तक शरीर के हर एक अंग को अपना कार्य सुचारू ढंग से करने के लिए पानी की जरूरत होती है। शरीर की छनाई या फिल्ट्रेशन सिस्टम का हिस्सा होने के नाते किडनी को पेशाब को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब हम कम पानी पीते हैं तो पेशाब की मात्रा कम होती है। पेशाब कम बनने से किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती, जिससे उसमें पथरी का निर्माण हो सकता है। लिहाजा ये बेहद जरूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ताकि किडनी किसी भी अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों को सही तरीके से शरीर से बाहर निकाल सके। पर्याप्त पानी पीना किडनी की सफाई के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। नंबर 3, नींबू।
जी हाँ, किडनी स्टोन के मरीजों के लिए नींबू और जैतून का तेल बहुत ही चमत्कारी नुस्खा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसके सेवन से स्टोन की समस्या खत्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बिना सर्जरी के आपको किडनी स्टोन से छुटकारा मिल जाए तो इस मिश्रण का सेवन जरूर करें। रोजाना इसका सेवन करने से किडनी स्टोन खत्म हो जाता है। नींबू का जूस स्टोन को काटने में मदद करता है और जैतून का तेल उसे बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 4, गेहूं। जी हाँ, गेहूं की घास को धरती की संजीवनी के रूप में माना जाता है। नियमित रूप से इसके रस का सेवन करने से बड़ी बड़ी बीमारियां का इलाज हो जाता है। इसमें गिलोय का रस मिलाकर पिया जाए तो यह अमृत बन जाता है। इस काढ़े को बनाने के लिए 50 ग्राम गेहूं के ज्वार और गिलोय का रस को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। रोजाना सुबह खाली पेट मिश्रण को लेने से डायलिसिस की समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, अदरक। जी हाँ, अदरक का उपयोग दवा के रूप में वर्षों से होता आया है। इसमें मौजूद जिंजरोल्स एक सक्रिय यौगिक और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो किडनी में बैक्टीरिया फैलने से रोकता है, सूजन को कम रखता है, इसलिए आप अदरक का सेवन जरूर करें। नंबर 7, व्हीट ग्रास। जी हाँ, व्हीट ग्रास को पानी में उबालकर ठंडा कर लें। इसके नियमित सेवन से किडनी के स्टोन और किडनी से जुड़ी दूसरी बीमारियों में काफी आराम मिलता है। इसमें कुछ मात्रा में नींबू का रस मिलाकर पीना और बेहतर होता है। नंबर 8, नीम। जी हाँ, नीम और पीपल के पौधे से किडनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए इस पौधे की छाल को इस्तेमाल करते हैं। इसका काढ़ा बनाकर रोगी को पिलाने से फायदा होता है। इसे बनाने के लिए 10 ग्राम नीम और 10 ग्राम पीपल की छाल को 3 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे एक बोतल में रख लें। इस काढ़े को 3 से 4 भाग में बांटकर सेवन करें। इस प्रयोग से हफ्ते के अंदर क्रिएटिनिन का स्तर संतुलित हो जाता है। नंबर 9, तरबूज। जी हाँ, मैग्नीशियम फास्फेट, कार्बोनेट और कैल्शियम से बने किडनी स्टोन के इलाज के लिए तरबूज एक बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है जो कि स्वस्थ किडनी के लिए एक मुख्य तत्व है। पोटेशियम यूरिन में एसिड लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। पोटेशियम के साथ ही पानी भी भरपूर होता है जो कि स्टोन को नेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकाल देता है। नंबर 10, तुलसी। जी हाँ, तुलसी को एक प्रभावी मूत्रवर्धक औषधि के रूप में जाना जाता है। ये किडनी में मौजूद किसी भी तरह की पथरी को हटाने के साथ ही किडनी के कामकाज में सुधार करने में मदद करता है। साथ ही तुलसी खून में यूरिक एसिड के स्तर को भी कम करती है और किडनी की सेहत में सुधार करती है। तुलसी में मौजूद अनिवार्य तेल और एसिटिक एसिड जैसे तत्व न सिर्फ किडनी की सफाई में मददगार हैं, बल्कि पथरी को तोड़कर आसानी से शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही तुलसी पेनकिलर के तौर पर भी काम करता है। अगर आप भी पेशाब रोकते हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। पेशाब रोकने से हमारे शरीर में विषैले तत्व तो बहुत तेजी से फैलने लगते हैं, जिससे कि हमें जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी पेशाब आए तो पेशाब जरूर करें।